नमस्कार, हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसीलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का बेहद खास प्रोग्राम संजीवनी। मैं हूं आपके साथ विप्रेश पाथुर और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका संजीवनी में। थैंक यू जी। चलते हुए हाँफते हैं, भीड़ देखकर घुटन महसूस करते हैं, बंद कमरे में सांस नहीं ले पाते हैं, तो कहीं आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी तो नहीं? देखिए डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ संजीवनी। क्या आप कभी ऐसा महसूस करते हैं कि आपको सांस लेने में भारीपन हो रहा है, कि आप 10 कदम चलने पर भी हांफने लगते हैं? अगर आपको ऐसा कभी कभी होता है तो ये भले ही घबराने की बात ना हो, लेकिन अगर ऐसा आपको हर दिन होता है तो ये आपके लिए चिंता की बात हो सकती है, क्योंकि आपकी थकान, इस भारीपन का संबंध शरीर में ऑक्सीजन की कमी से हो सकता है। तो चलिए आज इस पर डॉक्टर चौहान से चर्चा करते हैं और जानते हैं कि शरीर में ऑक्सीजन क्या रोल प्ले करता है और इसकी कमी अगर हो जाए तो हमें क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं। डॉक्टर चौहान, अगर ऑक्सीजन की हम बात करें जी, तो शरीर में क्या रोल प्ले करता है और अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या लक्षण दिखाई देने लगते हैं? देखिए, ऑक्सीजन का बहुत बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। प्राण रक्षा के लिए ऑक्सीजन बहुत आवश्यक है। आप सभी ये समझते हैं कि अगर ऑक्सीजन हमारे शरीर में 2 मिनट के लिए ना पहुँचे तो पूरे शरीर में जो है आपको कई प्रकार के लक्षण भी होंगे और अंत में मृत्यु भी हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होना जो है वो अपने आप में एक रोग का हम उसको जो है नाम भी देते हैं। अगर हमारे ब्लड में अगर ऑक्सीजन कम हो जाती है तो उसको हाइपोक्सीमिया कहते हैं, या फिर हमारी टिश्यूज़ में या जो हमारी कोशिकाएं हैं उनमें ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो उसको भी जो है हाइपोक्सिया का नाम दिया जाता है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी होना। और ऑक्सीजन बहुत आवश्यक है हमारे शरीर के अंदर। हर एक जो हमारी छोटी से छोटी जो कोशिकाएँ हैं, सेल्स हैं, वहाँ पर जो है ब्लड के साथ मिक्स होकर के ये पहुँचती है, वहाँ पर जो है हर सेल को जीवन दान देती है। प्राण रक्षा करना इसका एक बहुत महत्वपूर्ण जो है इसका एक कार्य है। इसके साथ साथ जो है जो हमारी टिश्यूज़ हैं या सेल्स में जो डैमेज होता है उसको जो है ये कंट्रोल करती है, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन वगैरह को कंट्रोल करती है, या जो है जो हम भोजन खाते हैं उससे एनर्जी बनने का जो प्रोसेस होता है उसमें एक प्रोसेस होता है ऑक्सीडेशन, उसको बोलते हैं। ऑक्सीडेशन प्रोसेस जहाँ भी होगा वहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो अनेक प्रकार के कार्य जो है हमारे शरीर में होते हैं, और जैसा कि हम सब समझते हैं कि यदि ऑक्सीजन की कमी हमारे शरीर के किसी भी हिस्से में हो जाए, वहाँ अगर ऑक्सीजन पहुँचेगा नहीं तो वो हिस्सा हमारा बिल्कुल डैमेज हो सकता है। जैसे कि कई बार हम कहते हैं कि किसी पर्टिकुलर ऑर्गन की डेथ हो जाती है, विशेष तौर पे ब्रेन में यदि ऑक्सीजन की कमी हो जाए, क्योंकि ब्रेन जो है ब्रेन में बहुत सारी ऑक्सीजन हमें चाहिए होती है। जितने भी ब्रेन के अंदर है हमारे मस्तिष्क के अंदर जो फंक्शंस होते हैं वहाँ ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, और वहाँ ऑक्सीजन यदि कमी हो जाए किसी कारण से तो फिर आपका ब्रेन डेड भी हो सकता है और उसके कारण आपको कोमा जो है आप बेहोशी में जा सकते हैं। अनेक प्रकार के लक्षण भी आपके शरीर में इसके कारण देखने को मिलते हैं। तो देखिए डॉक्टर चौहान आपको बता रहे हैं कि अगर ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो ब्रेन डेड भी हो सकता है, इसीलिए आज की संजीव में ध्यान से देखें, क्योंकि आज डॉक्टर साहब आपको ऑक्सीजन के बारे में बता रहे हैं। अगर आपकी भी आंखें फूली रहती हैं और आंखों के नीचे काले घेरे भी हैं तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब से कुछ ही देर के बाद डॉक्टर चौहान देंगे आपको पफी आइज से मुक्ति पाने की आज की संजीवनी टिप्स। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि अगर लंबे समय तक ऑक्सीजन की कमी शरीर में रहे तो इससे कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? देखिए, जो बीमारियां जैसे इसके कारण होती हैं या जो जिन बीमारियों के कारण ऑक्सीजन की कमी, दोनों ही समझना आवश्यक है हमें यहाँ पर। अगर ऑक्सीजन की कमी हमारे शरीर में होगी तो कई प्रकार के लक्षण जो मैंने अभी आपको बताए, लेकिन जैसे कुछ बीमारियां हैं जैसे एनीमिया है, एनीमिया आप जानते हैं उसमें खून की कमी होती है, तो खून जब कम रहेगा, क्योंकि खून के माध्यम से ऑक्सीजन हमारे शरीर में ट्रेवल करती है, तो फिर वहाँ पर आपको ऑक्सीजन की कमी शरीर में हो जाएगी। इसी प्रकार से अस्थमा कुछ लोगों को होता है जहाँ पर उनको सांस लेने में तकलीफ होती है या उनके लंग्स जो हैं पूरी तरह से एक्सपेंड नहीं हो पाते, पूरी ऑक्सीजन उनमें नहीं भरती है, तो उसके कारण भी जो है फिर ऑक्सीजन की कमी आपके शरीर में। कुछ एक बीमारी आपने डॉक्टर्स के नाम से सुनी होगी जो जिसको के कहते हैं COPD, एक डिजीज़ है, और उसमें जो है लंग्स का जो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो इन्वॉल्व होता है, उसमें जो है ऑब्स्ट्रक्शन, कई बारी हमारे जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं या ब्रोंकस जो हमारी श्वास की नलियाँ होती हैं
उनमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, उसके कारण भी जो है कई प्रकार से ऑक्सीजन की कमी, क्योंकि ऑक्सीजन पहुंचेगा नहीं लंग्स में तो बॉडी में नहीं पहुंचेगा। हार्ट के जो रोगी होते हैं, क्योंकि हार्ट को पंप करना पड़ता है, ब्लड जब पंप नहीं होगा पहुंचेगा नहीं जगह जगह पर, या किसी को लो ब्लड प्रेशर यदि शिकायत है, कुछ लोगों को जो लंग्स में कुछ डिजीज़ हो जाती है, लंग्स के अंदर कुछ जो है जैसे ड्राइनेस हो गई है, ये वहाँ पर कुछ हार्डनेस हो गई है, कई बार वहाँ फाइब्रोसिस हो जाता है, जो अंदर जो पॉकेट्स हैं लंग्स की वो हार्ड हो जाती हैं, उनमें म्यूकस भर जाता है, तो ये तमाम तरह के जो लंग्स से रिलेटेड या हमारे हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो उनके कारण हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। जैसे निमोनिया हो जाता है किसी को, या लंग्स का कोई और भी रोग हो जाए, तो देन देर विल बी लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी। और कभी कभार जो है हमने ये भी देखा है, बहुत तेज़ बुखार किसी को होता है, फीवर होता है, उसके कारण भी जो है, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है बॉडी का वो नॉर्मल स्थिति में नहीं होता है उस समय, तो उसके कारण भी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। संजीवनी कॉलर जुड़ गई हैं आशिमा जी अमृतसर से। आशिमा जी स्वागत है आपका संजीवनी में, अपना सवाल कीजिए डॉक्टर साहब से। मुझे आस्थमा की प्रॉब्लम है 5 साल से। हाँ जी नमस्कार, दोबारा बोलिए, जरा ऊंचा बोलिए। मुझे आस्थमा की प्रॉब्लम है 5 साल से। अच्छा अच्छा, तो क्या कर रहे हैं उसके लिए आप, इलाज क्या कर रहे हैं अभी? इनहेलर ले रही हूँ, क्या मेरे इनहेलर छूट सकते हैं? बिल्कुल, देखिए अगर आप थोड़ा सोचेंगे ऐसा, अच्छा अच्छी सोच है कि आप इनहेलर छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने तो ये मान लिया है कि अभी लाइफ लॉन्ग हमें इनहेलर लेना ही पड़ेगा, ऐसा उनके दिमाग में ये बिल्कुल प्रोग्रामिंग हो चुकी है। तो जब आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या छूट सकता है, तो पहले आपको ये देखना है कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, और इनहेलर से वो प्रॉब्लम क्या मेरी सॉल्व हो रही है, नहीं सॉल्व हो रही। आप केवल इनहेलर लेते हैं कुछ घंटे के लिए, आपके लंग्स थोड़े से एक्सपेंड हो जाते हैं, उनमें ऑक्सीजन चली जाती है, आपको सांस जो है वो ठीक आने लगता है, लेकिन हमें देखना है कि हम मेरे लंग्स में प्रॉब्लम क्या है, क्या मेरे लंग्स कमज़ोर हो गए हैं, क्या वहाँ पर कुछ जो है कुछ म्यूकस जमा हुआ है, या फिर जो है कोई और विकार वहाँ पर हो गया है। तो उस विकार को जब हम समझेंगे, आयुर्वेद में इसका वर्णन है, कोई घबराने की बात नहीं, आयुर्वेद में जो है श्वास रोग बड़ा विस्तार से वर्णित है, 5 प्रकार के श्वास रोग लिखे हैं, आप तो एक 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 ही प्रकार का अस्थमा जानते हैं, आयुर्वेद कितना एडवांस साइंस है, आप जरा समझने की कोशिश करो, वहाँ 5 तरह के अस्थमा लिखे हैं, आप ही समझ लीजिए। तो हम जब इलाज करते हैं तो रोग को समझते हैं और उसका उपचार करते हैं। एक इलाज तो आपको अभी बताते हैं, आज से शुरू करिए, आपके घर में जो है हल्दी भी होगी, सौंठ होगी, काली मिर्च, ये 3 चीज़ें आप बराबर बराबर मात्रा में ले लीजिए और इनको मिक्स कर लीजिए पाउडर फॉर्म में, और आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम को गर्म गुनगुने पानी से आप सेवन करना शुरू करिए, देखिए उससे कितना आपको रिलीफ आना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये इलाज नहीं है, कभी कभार हम जो आपको नुस्खे बताते हैं वो इलाज नहीं है, वो आपको केवल आयुर्वेद से जोड़ने का एक तरीका है। आयुर्वेद भी एक मेडिकल सिस्टम है, जैसे आप इनहेलर एलोपैथी में लेते हैं, ऐसे हमारे यहाँ भी जब आएंगे तो हम आपको औषधि देंगे, दवाई देंगे और आपके रोग का उपचार करेंगे। उसके लिए आप हमारे सेहत के नंबर पे आप कॉल करें, या आपके आसपास जीवा की क्लिनिक्स अगर हैं कहीं, हमारे पूरे भारत के अंदर क्लिनिक्स भी हैं, वहाँ जा करके हमारे डॉक्टर से पर्सनली भी आप मिल सकते हैं। और अगर आपको भी पफी आइज की शिकायत है तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब से थोड़ी देर में डॉक्टर चौहान देंगे आपको इसके लिए एक बेहतरीन संजीवनी टिप्स। चलिए इसी के साथ डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर चौहान, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है मेरा आपसे कि अगर पफी आइज की शिकायत की जो हम बात कर रहे हैं, इससे हटके मैं थोड़ा, क्योंकि ऑक्सीजन की हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन का बचाव कैसे किया जा सकता है? अगर ऑक्सीजन की कमी बॉडी में है तो लाइफस्टाइल और खान पान में कैसे हम चेंजेस ला सकते हैं? देखिए सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि डेफिनेटली इसको लाइटली मत लीजिए। मैंने जैसे कहा कि ये एक जानलेवा कंडीशन भी बन सकती है अगर आप उसको निगलेक्ट करेंगे, तो हमेशा एक प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्ट करें। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हम आपको बताते हैं, ऑक्सीजन की कमी है तो आपको सबसे पहले तो ये है कि ऑक्सीजन ही चाहिए। तो एक तो आप देखें कि आप जहाँ वातावरण में रह रहे हैं कहीं वहाँ कोई प्रदूषण वगैरह बहुत ज़्यादा तो नहीं है, कई बार बहुत ज़्यादा प्रदूषण होने के कारण भी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो ट्राई टू गो टू सम प्लेस जहाँ पर प्रॉपर ताज़ी हवा मिलती है। पानी में भी ऑक्सीजन होती है, आपको मालूम है पानी में H2O, उसमें भी ऑक्सीजन का जो है एक सम्मिलित है, पानी का जो एक मॉलिक्यूल होता है,
तो पानी अगर शुद्ध पियेंगे उससे भी शरीर में ऑक्सीजन मिलेगा। हमारे यहाँ तो जो भोजन है, जैसे आपने पूछा कि लाइफस्टाइल और भोजन के बारे में, तो भोजन में भी हमें वो चीज़ें देखनी है जो फ्रेश हैं, नेचुरल हैं। आजकल आपने देखा होगा बड़ा प्रचलन चल रहा है, ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं लोग, तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसमें भी प्राण शक्ति होती है, उसमें भी हमारी जीवनीय शक्ति होती है। प्राण जो है, जो एक हमारी एक विशेष शक्ति है शरीर में जो हमें जीवित रखती है, तो हमें वो भोजन देखने हैं जो ताज़े हैं। ये जंक फूड वगैरह जो आजकल खाते हैं लोग, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, दैट इज़ ऑलरेडी यू नो उसमें वो प्राण शक्ति है ही नहीं उसके अंदर। और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको यदि किसी भी तरह का कोई लक्षण, कोई संकेत दिखता है, तो फिर उसकी थेरेपीज भी होती हैं। ऑक्सीजन थेरेपी एक होती है, उसमें प्रॉपर ऑक्सीजन दिया जाता है बॉडी को। या फिर कई बार हम जो है, अब हमारे आयुर्वेद की दृष्टि में अपने दायरे में बात करें, तो अगर ऑक्सीजन अवेलेबल भी है ना आपको, अगर आपके वातावरण में अच्छा साफ सुथरा वातावरण है, तो कई बार क्या होता है, हम सांस ही नहीं लेते हैं प्रॉपर। बहुत सारे लोग जो हैं वो शैलो ब्रीदिंग करते हैं, यानी कि पूरे लंग्स को फिल नहीं करते हैं, सांस लेंगे, क्योंकि टेंशन स्ट्रेस बहुत होती है, भाग दौड़ में हम रहते हैं। तो बैठ करके कम से कम 10-15 मिनट रोज़ सुबह डीप ब्रीदिंग करें, थोड़ा प्राणायाम करें, ताकि लंग्स आपके पूरे भरें, लंग्स की एक्सरसाइज हो और ऑक्सीजन आपके छोटे छोटे जो हमारे शरीर में जो सेल्स हैं, जो कोशिकाएं हैं, वहां तक जो ऑक्सीजन पहुंचनी चाहिए। ये हमारी जीवनदायिनी एक शक्ति है, ये जो ऑक्सीजन है, हम इसको आयुर्वेद में प्राण भी कहते हैं, प्राण शक्ति भी इसको कहते हैं। और प्राण शक्ति में केवल ऑक्सीजन ही नहीं होती, और बहुत सारी चीज़ें उसमें सम्मिलित हैं। लेकिन अगर हमें जीवित रहना है, अगर हमें स्वस्थ रहना है, और अगर हमें अपने शरीर को, अपने एक एक अंग को अगर स्वस्थ रखना है, तो इसका हमें ध्यान रखना है कि प्रॉपर ऑक्सीजन हमें मिलनी चाहिए। डॉक्टर साहब, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, क्योंकि लगातार हम ऑक्सीजन की कमी की बात कर रहे हैं, क्या इसमें आयुर्वेदिक दवाएं, आयुर्वेदिक थेरेपी मदद कर सकती हैं? देखिए, आयुर्वेद में जितना भी जो हम ट्रीटमेंट करते हैं, चाहे हमारी वो जड़ी बूटियां हैं, चाहे हमारे जो आयुर्वेदिक जो योग हम बनाते हैं, जो औषधियां बनाते हैं, आयुर्वेद एक ऐसा विज्ञान है कि इसमें हम बेसिक चीज़ों का जरूर ध्यान रखते हैं। तो जो जड़ी बूटियां हैं उनके, जैसा मैंने कहा कि हर भोजन के अंदर, हर पेड़ पौधे के अंदर, उसमें भी ये जीवनीय शक्ति होती है। तो डेफिनेटली जब आयुर्वेदिक दवाइयाँ हम लेते हैं, उनसे जो है हमें शरीर में प्राण शक्ति मिलती है, क्योंकि उनके अंदर प्राण शक्ति होती है। वो डेड चीज़ें तो नहीं है, नेचुरल हैं। जो भी चीज़ नेचुरल होगी उसमें प्राण शक्ति होगी। दूसरी चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट समझने वाली है कि आयुर्वेद में जब हम इलाज करते हैं, तो आयुर्वेद में हम ये केवल इतना नहीं देख रहे हैं कि ऑक्सीजन कमी होगी तो ऑक्सीजन दे दिया जाए, या सिलेंडर लगा दिया जाए, या कुछ आपको जो है ऑक्सीजन का मास्क लगा दिया जाए। हम ये देखना चाहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी किस कारण से हो रही है। और कारण मैंने आपको पहले गिनाए, कभी अनीमिया के कारण हो सकती है, अस्थमा के कारण हो सकती है, या हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो उसके कारण हो सकती है। तो यहाँ पर जो है हम आयुर्वेद में उस रूट कॉज का भी इलाज साथ में करते हैं। एंड ऑफ कोर्स इसके साथ साथ वी शुड नॉट फॉरगेट कि जो योग है, प्राणायाम है, मेडिटेशन है, या अपने और जो शरीर की जो हम एक एक जो हम स्रोतस जिसको हम आयुर्वेद में बोलते हैं, चैनल्स जो हैं हमारे, उन चैनल्स को साफ करना भी जरूरी है। कभी कभार ऑक्सीजन अवेलेबल है आपको, लेकिन आपकी नालियाँ ही रुकी पड़ी हैं, उसमें कचरा जमा हुआ है, कुछ उसमें टॉक्सिन्स, तो डिटॉक्स करना भी रेगुलर बहुत आवश्यक है। और उसके लिए हमारे यहाँ आयुर्वेद में पंचकर्म चिकित्सा का वर्णन किया गया है। हमने तो बल्कि आपके सुविधा के लिए बहुत बढ़िया फरीदाबाद में एक जीवाग्राम बनाया है, आप उसके बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप आइए, वहाँ रहेंगे जब आप, तो आपको ना केवल हम जो है डिटॉक्स आपका या एक सफाई करते हैं बॉडी की, आपको जो है जीवन शैली भी हम लोग सिखाते हैं कि किस प्रकार से आपको खाना खाना चाहिए, किस प्रकार से एक्सरसाइज करनी चाहिए अपने पर्सनल प्रकृति के अनुसार। और उसके लिए हमारे यहाँ विशेष एक्सपर्ट हैं। हमारा गोल ये है कि जब आप एक बार हमारे पास आएँ, आप एक सप्ताह के लिए आएँ, दो सप्ताह के लिए आएँ, और वापस जब अपनी दुनिया में जाएँ, तो कुछ सीख करके जाएँ, अपने बारे में कुछ जान करके जाएँ। और यही हमारा आयुर्वेद का मूल सिद्धांत है कि हर व्यक्ति को अपनी प्रकृति समझनी चाहिए, अपना स्वभाव समझना चाहिए, और उसी के अनुसार हमें अपना खान पान, अपना लाइफस्टाइल, अपना जो भी हमें जीवन में हमारी जो क्रियाकलाप हैं, वो हमें अपनी प्रकृति के अनुसार ही चुननी चाहिए। सबसे बड़ा रोग का कारण यही है कि आज हमें अपनी प्रकृति मालूम नहीं है। जिस प्रकार आपको यदि मालूम ना हो कि आपकी गाड़ी डीजल की है, पेट्रोल की है, सीएनजी की है, या इलेक्ट्रिकल है, तो कैसे आप ये निर्णय लेंगे कि कौन सा ईंधन उसमें डालें? तो इसी तरह से हम ये गलती करते हैं, इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है, जो सामने दिखता है वो अंदर डाल देते हैं। तो इसलिए
थोड़ा सा हमें इसके बारे में विशेष रूप से ध्यान रखना है। और जीवा में आप कभी भी संपर्क करेंगे, आपको इन सब चीज़ों का हम जवाब देते हैं। देखिए, जैसा कि डॉक्टर चौहान ने आप सभी को बताया कि अगर ऑक्सीजन की कमी बॉडी में है तो अगर आप आयुर्वेदिक दवाएं लेते हैं, थेरेपी लेते हैं, तो उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, जबकि ये आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएंगी। अगर आप भी अपनी सेहत को लेकर परेशान हैं तो टेंशन अब बिल्कुल छोड़ दीजिए। फौरन सेहत का नंबर मिलाइए जो है 01294040404। अपने फ़ोन नंबर रजिस्टर कराइए और जल्द से जल्द डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर्स जो आपको खुद फ़ोन करेंगे उनसे बात करके गुड हेल्थ पाइए। अगर आपकी भी आंखें हमेशा सूजी रहती हैं, यानी आपकी भी पफी आईज हैं, तो आज की बेहतरीन संजीवनी टिप्स जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खास कार्यक्रम संजीव।